हेलो फ्रेंड्स, आरबीडी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स 2020 है, जो मैं कि रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं वो इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर के करंट अफेयर्स में मैंने एक क्विज क्वेश्चन दिया था, 21 मई इज सेलिब्रेटेड एज विच डे। ऑप्शन ए है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, बी है इंटरनेशनल टी डे, सी है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, डी है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज़ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। जो हम लोग ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए टेररिज्म के खिलाफ। एंड जो बी है इंटरनेशनल टी डे, हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इंकरेज करने के लिए टी वर्कर्स को उनकी राइट्स, उनके वेजेस उनको प्रॉपरली मिल पाएँ, इसके वजह से हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल टी डे। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हम लोग 21 मई को ये बोथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और आज का क्विज क्वेश्चन है, बिहार गर्ल ज्योति कुमारी हैड साइकिल्स मोर देन हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम गुरेगाम टू हिज टाउन बिहार। तो ये नॉलेज पर्पज़ के लिए क्वेश्चन है, ये रीसेंट न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा कि क्विज में दे दूँ। तो इस पे जो टॉपिक पे है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ कमेंट्स दी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ज्योति कुमारी ने साइकिलिंग की कितने किलोमीटर्स, वो अपने टाउन वापस गई और उसके फादर्स इंजर्ड हो गए थे, उनको भी उन्होंने सेव किया एंड वो अपने टाउन पहुँची बिहार में, तो कितने किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया साइकिल से। तो ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर्स, बी है 1200 किलोमीटर्स, सी है 1500 किलोमीटर्स, डी है 1300 किलोमीटर्स। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज सैंक्शन लोन ऑफ वर्थ रुपीज़ 2789 करोड़ टू विच एंटरप्राइज। तो जो महाराष्ट्र बैंक ने अमाउंट सेंक्शन किया है, किन कौन सी एंटरप्राइज़ को सेंक्शन किया है, 2789 करोड़ का अमाउंट सेंक्शन किया है। ऑप्शन ए है मीडियम एंटरप्राइज, बी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दैट इज MSME, सी है लार्ज एंटरप्राइज, डी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज दैट इज SME। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। और वो लोन उनको क्यों प्रोवाइड किया है, बिकॉज उनकी बोरोइंग्स, उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को सपोर्ट करने के लिए इनके वजह से उनको प्रोवाइड किया गया है ये लोन। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ सेलिंग ऑफ रिलायंस जियो स्टेक ऑफ परसेंटेज 2.32 टू विच कंपनी। तो अभी ये कौन सी सेल आ गई है, फिफ्थ सेल। रिलायंस जियो ने ऑलरेडी फोर्थ सेल कर दी है इस कोरोना की सिचुएशन में, फोर सेलिंग्स अपनी कर दी हैं, और ये जो अभी है ये फिफ्थ सेल किसको की है 2.32% की। ए है फेसबुक, नहीं, फेसबुक को तो उन्होंने 9.99% की फर्स्ट सेलिंग की थी। सेकंड है सिल्वर लेक पार्टनर, नहीं, इनको तो उन्होंने 1% की स्टेक सेल की थी। सी है जनरल एंट्रांटिक को तो उन्होंने 1.34% का स्टेक सोल किया था। तो बचा डी, KKR, कोलम्बर्ग, कार्वस, रॉबर्ट, उनको, इस कंपनी को इन्होंने 2.32 का स्टेक सोल किया है रिसेंटली। एंड उसके पहले उन्होंने विस्टा कंपनी को भी किया था, उनको भी 2.32 का ही स्टेक सोल किया था। तो ये 5 स्टेक उन्होंने सोल किए हैं कंपनी ने, और मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, KKR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिड्यूस इट्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट टू विच परसेंटेज। तो RBI ने अपने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। अभी क्या होता है रेपो रेट एंड क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है लोन टू कमर्शियल बैंक, यानी अदर्स बैंक को प्रोवाइड करती है लोन। RBI जो अपेक्स बैंक है वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है अदर कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो
कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती हैं रिजर्व बैंक को यानी सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड करती हैं लोन एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको अपोजिट रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो रेपो रेट यानी आरबीआई प्रोवाइड करती है लोन टू द अदर कमर्शियल बैंक एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रिवर्स रेपो रेट अपोजिट यानी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं लोन टू द आरबीआई यानी एपिक्स बैंक को, तो इनको बोला जाता है रिवर्स रेट एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एंड ये परसेंटेज उन्होंने अभी रिसेंटली रिड्यूस किया है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट है? ए है रेपो रेट 4.4% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.75%। नहीं, ये तो उनका रिसेंट अभी था परसेंटेज, उसको चेंज किया है उन्होंने, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी रेपो रेट 5% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.8%, नहीं रिड्यूस किया है, इंक्रीज़ नहीं किया है। सी है रेपो रेट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, यस ये राइट आंसर है सी। तो उन्होंने अपना जो रिवर्स रेपो रेट एंड रेट रेपो रेट को रिड्यूस किया है 4% एंड 3.35% पे, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 22nd मई इज सेलिब्रेटेड एज विच डे, तो 22nd मई को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ए है नेशनल मैरिटाइम डे, बी है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सी है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, डी है ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बोथ करेक्ट। पहले जो क्विज क्वेश्चन था उसमें भी ये था इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैंने बताया था वो 22nd मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल मैरिटाइम डे भी हम लोग इसी डे को 22nd को ही सेलिब्रेट करते हैं, तो डी ऑप्शन राइट है। और हम लोग मरीन टाइम डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हम एक वर्ड है मरीन, मरीन मीन्स सी के रिसोर्सेज वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बी है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो जो स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इकोसिस्टम है, उन सबको प्रोटेक्शन के लिए ये जो डे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोथ करेक्ट हैं ए एंड बी। 5th है हाउ मच बेनिफिट यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव टू NBFCs एंड HFCs बाय लॉन्चिंग स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। तो एक स्कीम दी है यूनियन कैबिनेट ने, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम किनको दी है? NBFCs एंड HFCs। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं एंड HFCs हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनको एक अमाउंट का बेनिफिट प्रोवाइड किया है, वो कितने अमाउंट का बेनिफिट है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए यानी 30,000 करोड़ का उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करके NBFCs को एंड HFC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE की प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे है। PPE यानी जो ग्लव्स एंड जो पूरा सूट वगैरह है जो उनको प्रोडक्शन में कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? तो ए है चाइना, बी है अमेरिका, सी है इंडिया, डी है स्पेन। तो हमारी इंडिया ये सेकेंड रैंक पे है, तो ऑप्शन सी राइट है। एंड जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने में, यानी ग्लव्स एंड पूरा जो सूट है वेयरिंग का ये एंड ऑल का, तो उसमें ये चाइना फर्स्ट पे थी एंड सेकेंड इंडिया थी, तो इंडिया राइट आंसर है। एंड ये जो क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर प्रोवाइडेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।